नमस्कार जोहार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता एक अच्छी आदत है और ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। धरती में जीवन को बनाए रखने के लिए अपने शरीर की साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को साफ बनाए रखना भी बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ बनाता है। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जल नल योजना से स्वच्छ हो रहा है पतरातू। तो बिना देर के हम आपको लिए चलते हैं पतरातू, जहां आपको बताएंगे कि किस तरह से पतरातू वासी अब स्वच्छता को अपना चुके हैं और जल नल योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। जल ही जीवन है यह कहते हुए लोग आते हैं, लेकिन जल स्वच्छ अगर मिले तो क्या बात है। स्वच्छ जल में स्वच्छ शरीर रहता है और स्वच्छ शरीर के लिए शुद्ध पानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो हर चौक चौराहे पर जल मीनार बनाया गया है, जिससे लोग पानी पीते हैं और शुद्ध पानी पीते हैं, इससे बीमारियां उनकी कम हो रही है। यदि हमें स्वस्थ शरीर चाहिए तो हमें स्वच्छ जल ग्रहण करना ही होगा। दूषित जल पीकर मनुष्य और उसका समाज तरह तरह की बीमारियों से घिर जाएगा। अतः स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए झारखंड प्रदेश के गांवों में नल जल योजना के माध्यम से लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं रांची जिले के चान्हो प्रखंड के पतरातू ग्राम में, जहां के लोग पहले दूषित जल पीने को मजबूर थे। आज यहां इस योजना के आने से लोगों के घर आंगन तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई है। इस गांव में ये महिलाओं को क्या सुविधाएं मिल रही है, साथ ही साथ जो शुद्ध पानी मिल रहा है उसे इनकी बीमारियां कितनी कम हुई है। सभी फायदा होता है, पियल होता है, गाय मन पियाला सभी करिए। हाँ, खनो तब का होते बना कुआ से लानत रही है। हाँ तो कुआ में कैसे ना भरबे तभी ना आबे। हाँ, गंदा पानी रहते रहे तो बोरिंग मन हो गए ना घोटे कह तो दिलियो। भातो रांधेल होबेला, गरुओ मन पियाल होबेला, कोनो धोहो मांजेल होबेला, सभी चुना होबेला। इस जल मिलार के लगने से हमारे मोहल्ले में बहुत सुविधा हुए हैं। हम सुबह सवेरे जल्दी उठ के यहाँ से पानी ले जाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, साफ सफाई से लेकर नहाने धोने। शुद्ध पानी के लिए हमको यहाँ पे एक स्पेशल नल भी दिया गया है। पहले नहीं था तो दूसरे मोहल्ले में जाके लाते थे पानी। हाँ, समय लगता था, उससे थोड़ा सा कहीं भी आने जाने में मतलब कोई काम में लेट हो जाता था जाने में। जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है तो नाश्ता बनाने में लेट होता था, बारिश आने के लिए लेट होता था, इस तरह का समस्या होती थी पानी बिना। अब नज़दीक हो गया तो वो सब समस्या खत्म हो गई। हाँ, यहाँ तो अभी दिन भर के वही 4 बजे के बाद से कम हो जाता है, माने डायरेक्ट पानी आपका उस टाइम नहीं मिलता है। सब इकट्ठा मिल के मतलब यहाँ मतलब आपका सफाई करते, यहाँ नाली को भी क्लियर कर देते, जैसे नाली जाम हो जाता है, नाली को भी हम लोग मतलब माटी मैंने कोरी कुदाल इससे मतलब माटी सब गंदा मैंने माटा समाटा सब हटा देता है। पहले जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब लोग पानी के लिए तालाब पर निर्भर थे। यहाँ ये लोग नहाना, कपड़े धोना, अपने जानवरों को धोना सब एक ही तालाब में करते थे। इससे यहाँ के लोग काफी बीमार पड़ते थे। नल जल योजना ने अब यहाँ के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचा कर लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलाई है। इसको लगने से हमें शुद्ध पानी इस गांव में मिला, इस मोहल्ला में पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, घर में साफ सफाई के लिए। और जब नहीं था तब यहाँ के लोग मजबूर थे तालाब में जाने के लिए, तालाब में कपड़ा धोना, बर्तन धोना, वहीं पर जानवर को नहलाना, सारा काम तालाब पर ही निर्भर था। और पीने के लिए बहुत दूर दूर से पानी लाते थे, वो समस्या का समाधान हुआ है। हाँ, मलेरिया के लिए तो हम लोग पानी जमा होना, मलेरिया के लिए सबसे जरूरी है कि पानी जमा ना हो, जो कि हम लोग नहीं होने देते हैं। नल से फायदा हो रहा है, जिसका घर में पानी नहीं है वो यहाँ से ले जाते हैं और अपना यूज करते हैं। पहले नहीं था, बहुत दिक्कत था, और जब से ही गवर्नमेंट दिया है तब से जितने भी पब्लिक है उसको सबको सहूलियत हो रहा है। यहाँ कम से कम 400 घर से कम नहीं होगा। पतरातू के लोग बताते हैं कि इस योजना की वजह से अब हर काम के लिए पानी हमेशा उपलब्ध होता है। पहले इन्हें जल की व्यवस्था के लिए जो परेशानियां उठानी पड़ती थी, आज उन्हें इस योजना की वजह से इन परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। क्षेत्र में शुद्ध जल पीने से लोग बीमार कम पड़ रहे हैं। इस योजना से इस क्षेत्र में लगभग 400 से 500 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत फायदा है, पहले कुआं में अब पानी रहता था,
कुआं में पानी का नीचे हो गया स्तर, जिसका घर बोरिंग है उसी के लिए पानी है, बोरिंग वोरिंग नहीं है उसके लिए पानी का बहुत दिक्कत है। जल मीनार बन गया तो अगल बगल 300-400 घर में पानी का कोई दिक्कत नहीं होता है, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। लड़ाई भी होता था पहले, बहुत पानी लाने में बीत जाता था, 1 किलोमीटर तक जाते थे पानी लाने, आधा समय बीत जाता था पानी लाने में, काम कब होता था। इसीलिए जो भी है बढ़िया है, साफ़ सफाई होता है इसमें तो। खैर पानी जहाँ से गिर रहा है ये नाली है यहाँ पर, इसीलिए निकल जाता है, बाकी नहीं रहता नाली तो सोखता उखता बनाया जाता है साफ़ सफाई। सर देखिए फ़ायदा तो पहला बात ये स्वच्छ जल की हर घर में मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते थे कि बरसात के समय में जब कुआं में पानी होता था लोग वही पानी पिया करते थे, जिसे डायरिया गांव-गांव में हो जाता था, हर घर में हो जाता था। प्रथम बार तो डायरिया का नाम ख़त्म हो गया इस जल मीनार होने से। दूसरी बात है कि कभी भी बिजली रहे या ना रहे हमेशा पानी मिल जा रहा है। और इससे भी बहुत बड़ा समस्या था कि पहले और दूर नदी भी का भी पानी ला के पीते थे लोग, अभी नदी कुआं सब ये जो प्रदूषित पानी था उसको लोग पीना बंद कर दिए, जिसके लेकर के आज स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी आया है। क्योंकि स्वच्छ जल सबसे प्रथम बार है कि शरीर के लिए जल उत्तम चीज़ है, बिना जल बिना जीवन नहीं हो सकता है, और जल होना चाहिए स्वस्थ, और ये आज स्वस्थ जल मिल रहा है। इसे काफ़ी किसान जो है, घर घर का महिला जो है काफ़ी खुश है। सर बीमारी देखा जाए तो पानी पीने मात्र से 50% यहाँ गांव में कम हुआ है, और विशेष करके बरसात में जो बीमारी होता था सो, क्योंकि उस टाइम डायरिया का ज़्यादा शिकायत होता था। सर इस गांव में हर महल्ले पर लगा हुआ है, जिससे हजारों महिला लोग जो है इसे लंबादित होकर अभी। स्वच्छ जल ग्रहण करना सभी के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छ जल की व्यवस्था करना ग्रामीणों के लिए इतना आसान नहीं होता है, अतः नल जल जैसी योजना ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाकर न सिर्फ समाज को स्वच्छ बना रही है बल्कि उन्हें स्वस्थ भी बना रही है। तो आपने देखा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो जल मीनार की है, उससे सिर्फ आसपास के क्षेत्र ही नहीं बल्कि इस गांव की अगर बात करें तो 300 से 400 परिवार यहां से शुद्ध जल ले जाते हैं। और जैसे ही इन्होंने कहा कि शुद्ध जल से बीमारियां आधी हुई है, समय का बचत हुआ है, और तो और जब बिजली नहीं भी रहती है तो इनको अपने घरों तक के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है, जिससे कि इनको काफ़ी खुशी हुई है। और सरकार की इस योजना के लिए ये लोग कहते हैं कि सरकार थोड़ी और ध्यान दे दे तो इनका जीवन और बेहतर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जोहार। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अब आपको बताएंगे कि किस तरह से बायोगैस स्वच्छ ईंधन का प्रतीक बन गया है। जी हाँ, जहाँ गांव की महिलाएं पहले लकड़ी से चूल्हे जलाती थी और लकड़ी के धुएं से वो काफी परेशान हुआ करती थी, शारीरिक रूप से वो बीमार भी हो जाती थी, लेकिन बायोगैस का इस्तेमाल करके आज वो स्वस्थ भी हैं और अपने जीवन में मस्त भी है। तो बिना देर के चलिए आप भी देखिए। बायोगैस एक ऐसी तकनीक जो धुआं रहित आपको चूल्हा में खाना बनाने के लिए मिलता है। और महिलाएं जो पहले ग्रामीण की महिलाएं थी वो धुआं से काफ़ी बीमारियां उनको होती थी, लकड़ी पे खाना बनाते थे, गोईठा पे खाना बनाते थे। उसके बाद गैस भी आया जो उज्ज्वला योजना के नाम से आया, लेकिन उसका भी विकल्प सरकार ने खोजा कि जहाँ पे पशु हैं वहाँ पे बायोगैस दिया जाए। और इससे क्या हुआ कि उज्ज्वला की जो टंकियाँ थी वो खाली रह जाती थी, लेकिन इस गैस के मार्फत से लोग घर पे खाना बना रहे हैं, खाना का जो गुणवत्ता है वो भी बरकरार है, और साथ ही साथ लोगों की जो सेहत खराब होती थी वो भी अच्छी है। लकड़ी का जिस तरह से दोहन हो रहा था उसका बचाव हुआ, और साथ ही साथ लोगों को घरों में सुविधा रहित और जो भी दुर्घटनाएं होती थी उससे काफ़ी निजात मिला है। बायोगैस वस्तुतः एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये मीथेन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से गाय के गोबर, कृषि तथा खाद्य अपशिष्ट द्वारा किया जाता है। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में कई किसानों ने बायोगैस प्लांट लगाए हैं। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के पतरातु ग्राम में भी बायोगैस का एक छोटा सा प्लांट लगाया गया है, जिससे लगभग 55 घर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इससे एक ओर तो धुआं रहित ईंधन
पाइप के सहारे लोगों के घर तक पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर इस प्लांट से निकलने वाली स्लरी यहां के खेती के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। सर देखिए, ये बायोगैस विशेष करके गोबर से गैस बन जाता है और उसी का तकनीक जो है लगाया गया है, और ये 60 घर का यूनिट है जिसमें अभी 55 घर चूल्हा जल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ देखिए, किसी तरह का खतरा नहीं है। बायोगैस अगर लीक भी अगर दिन भर छूट जाए आपका सिलेंडर पे, मतलब जहाँ चूल्हा है उसको खोल के छोड़ दिया भी जाए और माचिस मारे तो किसी तरह आग नहीं लगता है। सबसे बड़ा ये देखे कि किसी को कोई नुकसान नहीं है, और उसका खाना भी हम देखे कि स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल धुआं रहित है। दूसरी बात है कि जो आज हम लोग बायोगैस जो गोबर से निकलने के बाद में गैस जो होता था, वो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रदूषण भी बनाया रखा और उसका लेकर के बहुत तरह का हानिकारक है। लेकिन इसको हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं उस गैस को, उसके बाद जो निकल जाता है उसमें बिल्कुल जो स्लेरी निकल रहा है वो बिल्कुल ही एक भी उसमें आपका गैस का प्रभाव नहीं रहता है। और वे स्लेरी फिर जो है हम लोग को खेती में, जैसे हम लोग बहुत तरह का किसान खेती करता है उसमें हम देखें कि बहुत तरह इतना फायदा है जिसमें यूरिया और डीएपी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यूरिया डीएपी से हम देखें कि जीवन 80% आज बीमारी का जड़ बना हुआ है। अगर हम सरकार से ये भी इस चैनल के माध्यम से एक संकेत देना चाहते हैं कि हर घर में यूरिया डीएपी को हटाया जाए और हर घर में कम से कम 2 पशु जरूर रखवाने का कार्य किया जाए। वे गाय भर नहीं, हम कहेंगे हल चलाने के लिए उनको ये भी चाहिए, बैल भी चाहिए। क्योंकि हल बिनु आज ट्रैक्टर भी आधुनिक तो जरूर है, लेकिन उसमें हम ऐसे ऐसे तकनीकी देखे जो ज़मीन को सही जोत नहीं हो पाता है और वे ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन पशु के साथ में हमारा बहुत तरह का फायदा है। पशु के साथ में क्या है, जो गोबर होगा वे घर घर का यूनिट भी सरकार लगाए, एक एक यूनिट का भी घर है में बायोगैस लग सकता है, या बड़ा प्लांट भी लगाए इस तरह 60-60 घर का, और पूरे झारखंड में हम तो कहेंगे इसको एकदम पूर्ण रूप से लागू ही कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ विकल्प यही है कि अगर बायोगैस से एक फायदा नहीं हुआ, पहला तो गाय अगर रखता है किसान तो दूध हुए बेचेगा 2 पैसा उसमें आएगा, गोबर है तो गोबर से उसका गैस बन जाएगा, उसका ईंधन अगर तो ये भी एक सिलेंडर का भी आपका 1200 रुपया पड़ रहती है आपका मात्र, अगर यहाँ से भी हम लोग देते हैं तो 600-700 रुपया पर सिलेंडर का खर्च पड़ रहा है। तो इस तरह हम कहेंगे कि सरकार को भी एक संकेत देना चाहेंगे कि इस तरह का योजना पूरे देश में लागू किया जाए, और सबसे बड़ी बात है उसका खाद जो है वे जमीन के लिए और फसल के लिए अमृत है। इस प्लांट को चलाने का खर्च बहुत ही मामूली होता है। यहाँ लोगों को ईंधन भी LPG की तुलना में आधे दाम में मिल जाती है। यहाँ इस प्लांट से 65 घरों तक गैस के पाइप गए हुए हैं, इससे उन्हें काफी सहूलियत होती है। इसमें पका हुआ खाना भी स्वादिष्ट होता है और जल्दी पकता है। बायोगैस के लगने से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। सर देखिए, 60 घर के लिए पर डे हमको यहाँ कम से कम जरूरी पड़ जाएगा 1500 केजी गोबर का, और 1500 केजी गोबर अगर 1 रुपये लेते हैं तो 1500 रुपया पड़ेगा, लेकिन 1500 में कम से कम आपका 700 रुपया 800 रुपया तो गोबर हमारा फिर पीछे काम में आ जाता है। तो ये 400-500 रुपया का जो है गैस में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उतना में मेंटेनेंस हो जाए और वही 400-500 में ही गैस देने की कार्य हो रहा है। तो पशु की बात जहाँ आया थी, एक गाय एक दिन में कम से कम 20 केजी गोबर करती है, तो वही अपेक्षा से जोड़ लिया जाए कि हमको कितना पशु रखा जाए एक घर के लिए। अगर एक घर में अगर 2-3 परिवार 4 परिवार है तो 2 पशु ही काफ़ी है, क्योंकि 40 केजी गोबर में उसका आराम से जो है निकल जाएगा एक परिवार के लिए। ग्रामीण से भी कुछ इकट्ठा करते हैं, कुछ अपना भी है। अभी मेरे पास 40 पशु है, तो 40 पशु में डेली अगर 20 केजी के हिसाब से देखा जाए तो 40×87 800 केजी हो जाता है, प्लस जो है हमको खरीदना पड़ता है, और उसको खरीद के फिर जो है हम अभी पूरा गैस का आपूर्ति कर रहे हैं जिससे कभी किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि गैस सिर्फ चूल्हा है, और आप ये गैस का सबसे बड़ी बात जीरो मेंटेनेंस ही चलते हैं कि बीच में ना आना है, ना जाना है, ना सिलेंडर भरना है। ये तकनीकी ऐसा है कि जहाँ जिसके घर है उसका चूल्हा
यानी उनकी रसोई तक ही पाइपलाइन गया भेज दिया गया है और वहाँ पहुँचा करके गैस दिया जाता है। जैसे उनको गैस की आवश्यकता पड़ा, ये चूल्हा चालू करने के बाद पुनः जो उनका गैस चालू हो जाता है। तो इसमें जीरो मेंटेनेंस है, किसी तरह ना आना जाना, कहीं किसी ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, किसी तरह का कोई खर्च नहीं। सिर्फ जितना मीटर में उन्होंने अपना यूज करेंगे, जिनके हर घर में एक एक मीटर लगा हुआ है, और वे जितना यूनिट खर्च करेंगे उस यूनिट के हिसाब से ही पैसा देना है। कि ये भी नहीं है कि हमको फिक्स कर दिया गया है कि हमको इतना पैसा देना है, ऐसा नहीं है। वो अगर 5 यूनिट का खर्चा किया तो 5 यूनिट का ही पैसा लगेगा, 100 यूनिट किया तो 100 यूनिट का पैसा लगेगा। तो कहने का मतलब बड़ा प्लांट और छोटा प्लांट दोनों है, एक घर में भी इस गैस को लगाया जा सकता है और सरकार चाहे तो पूरे गाँव भी लगा सकता है। लेकिन सरकार ही हम कहेंगे कि अभी जैसे कि हमको थोड़ा सा परेशानी आया कि अचानक गैस का रेट कम कर दिया गया, तो इस तरह में हम लोग जो चला रहे हैं या गांव की समिति के माध्यम से जो ये चला रहा है, तो चलने वाले में होता क्या है कि अगर हम सिलेंडर कम कर दिए तो हर जगह किसान थोड़ा सा चाहेगा कि हमको कम में मिले, तो उस समय थोड़ा परेशानी आ सकता है। लेकिन फिर भी कम में देने की वजह से हमको परेशानी नहीं आया कि उससे भी आधा रेट में मिल रहा है गैस अभी। इस गांव में बायोगैस प्लांट लगने से यहां की महिलाएं काफी खुश हैं। ये लोग लकड़ी से खाना बनाती थी जिससे काफी धुआं होता था जो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता था। अब बायोगैस ईंधन की वजह से इन्हें धुआं रहित ईंधन प्राप्त हो रहा है, इसमें इनका समय बच रहा है, इन्हें स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो रहा है और इसके अलावा ये गंदगी से बच रही है। मेरा नाम है सुनीता देवी और मैं पतरातू पंचायत में रहती हूँ। मेरा गांव का नाम भी पतरातू है। हाँ, उसमें धुआं होता है और समय भी ज़्यादा लगता है और इसमें तुरंत बनता है। इसका जो गैस वाला जो आता है ना, वो वाला ज़्यादा रहता है इसमें। उसमें जैसे कि हम लोग को 1.5 घंटा लग जाता था और इसमें आधा या 1.25 घंटा में मेरा बन जाता। कितना बोले, 500-550 ऐसा लगता है महीना में। और हाँ, अरे वाला में लगता था, मतलब कहिए तो एक सिलेंडर लगी। हाँ, तो उसमें आँख का प्रॉब्लम जैसे आता था, नहीं धुआं होने से आँख भी पूरा लाल हो जाता था, इसमें वो दिक्कत नहीं है। घर भी गंदा होता था। हाँ, घर भी गंदा होता था। वही मतलब पहले लकड़ी जलाते थे, इसमें धुआं होता था, काला होता था, हाथ भी गंदा होता था। अब इसमें है कि बायोगैस में गंदा नहीं होता है, समय का बचत है और घर भी साफ सुथरा रहता है। ना इसमें कोई घटना नहीं है वो गैस जैसा। पैसा बचता है कि नहीं? कैसे नहीं बचेगा, बचता है आधा इसमें। आधा बचा है? हाँ, आधा। अच्छा, बगल में सिलेंडर रखे हैं उसका? ना, यूज नहीं करते हैं उसका। हाँ, वो रखा हुआ है। इस गैस और उस गैस में क्या फायदा घटा है? हाँ, समय भी कम लगता है और हाथ पैर भी गंदा। हाँ, हाथ पैर भी गंदा नहीं होता है तो स्वास्थ्य रह रहे। बीमारी कम है कि? बीमारी तो इसमें कम है सर। गैस में, बायोगैस में बनाते थे, भारत गैस वाला में उसमें खाना बनाते ख़त्म हो जाता था तो हम दिन भर उपास से रह जाते थे। और इसमें जो बायोगैस है हम लोग का, उसमें हम लोग कभी भी खाना बना सकते हैं और बहुत सुविधा भी हो गया। इससे गैस भी नहीं होता है, जो बीमारी होता है वो बीमारी नहीं उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा की समय की बचत भी हो रही है, पैसा बच और इसमें बचत, पैसा की बचत भी है। देखिए, स्वास्थ्य में हम खुद अपने आप को डायबिटीज भी है, हम दूसरा कोई तो नहीं, अपने में जो अनुभव किए, डायबिटीज भी है और मेरे को हार्ट भी है, लेकिन दोनों अभी बिल्कुल स्वस्थ है। और आपके सामने देख रहे हैं, हमको करीब 10 साल से डायबिटीज है और आपके सामने स्वस्थ खड़ा है। मेरा उम्र भी 55 साल हो गया, फिर भी अभी दुरुस्त है। और इस खाना की जहाँ तक की बात किए तो खाना स्वादिष्ट भी बनता है और खाना जल्दी भी पकता है। और सबसे बड़ी बात है कि गैस में आप रोटी बनाइए और इस गैस में रोटी बनाते हैं तो रोटी जो है, देखिएगा, गैस बनाने में कहीं कहीं आपको थोड़ा सा कच्चा टाइप का दिखेगा, लेकिन इसका अगर रोटी बना के आप खाइएगा तो बिल्कुल ही साफ और अच्छा फुल, माने क्या कहा जाए, उसका पकवान का जो है टेस्टी अलग हो जाता है। तो इसमें सेहत के लिए अगर अच्छे चीज़ खाएंगे तो अच्छा सेहत भी बनेगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसका असर हर क्षेत्र में होता है। यदि हम खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले ईंधन की बात करेंगे तो वो लकड़ियों, कोयले से गुजरता हुआ एलपीजी और आज उससे भी बेहतर ईंधन बायोगैस तक पहुंच गया है। ये लोगों को धुआं रहित तथा प्रदूषण रहित गैस पहुंचाकर स्वच्छ ईंधन का प्रतीक बन गया है। तो आपने देखा कि जिन महिलाओं से हमने बात की उनके चेहरे पर क्या, कितनी मुस्कान है, और जो बचत हो रही है, जो घर का, जो रसोई का बजट गड़बड़ा जाता था उसमें ये मददगार हो रहा है।
और सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को शिकायत होती थी दुर्घटना की, वो सिलेंडर वाले गैस में, और खाना बनते बनते अगर सिलेंडर बंद हो गया तो दिन भर बाट जो होती थी कि कब आएगा गैस वाला तब हम लेंगे, लेकिन इसमें वो समस्याएं नहीं है। इसी तरह के अगर सभी गांव में इस प्रक्रिया को लाया जाए या बायोगैस को किया जाए तो चेहरे पे तो मुस्कान आएगी ही, साथ ही साथ जिस तरह से हमने इस क्षेत्र का भ्रमण किया, यहाँ के खेतों में देखा कि फसलें जो हैं हरियाली लहरा रही है और साथ ही उनकी गुणवत्ता जो है काफ़ी अच्छी है। और साथ ही बात हमने जब भ्रमण से किया तो उन्होंने कहा कि जो सेहत सुधार हुआ है वो आप देखने वाली बात है, खुद डायबिटीज़ के पेशेंट हैं लेकिन देख रहे हैं कितने हट्टे कट्ठे लगते हैं, और ये सिर्फ यहाँ के भोजन और यहाँ की जो गोबर से युक्त खाद है उसके बदौलत हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि अब आप भी बायोगैस को उपयोग में लाएंगे और अपने जीवन को मस्त बनाएंगे। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।